नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जून का महीना शुरू हो चुका है और अभी आप देख पा रहे हो मेरे प्लांट्स सभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, प्लांट का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे गार्डन में दो प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी नए से फ्लावरिंग कर रहा है, वो है सेवनी प्लांट जिसे हम लोग प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो एक है मेरा व्हाइट वेराइटी, ये देखिए कितने सुंदर ये फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि ये व्हाइट वेराइटी पहले भी फ्लावरिंग ऑलरेडी कर चुका है, मैं वेट कर रहा था ये वेराइटी फ्लावरिंग करने के लिए, ये देखिए पिंक, ताकि मैं आप लोगों को पूरे एक साथ दोनों वेराइटी को शेयर कर पाऊँ। इसके अलावा भी और भी जितना मुझे मैं जितना देखा हूँ रेड वेराइटी भी होता है और एक पर्पल वेराइटी भी होता है। तो हालांकि वो दोनों प्लांट मेरे पास नहीं है, रेड वेराइटी तो मैं पूरे दुर्गापुर में कहीं पे नहीं देखा हूँ अभी तक। बहुत ही प्यारा देखते हैं ये, देखने में लगता है रेड वेराइटी। तो जो भी हो ये दो प्लांट भी बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी फुल वीडियो एक बना चुका हूँ विथ अपडेट के साथ, कैसे इसको ग्रो करना चाहिए, कैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और इसके लिए कौन सा मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। तो उसका लिंक मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों प्लांट ही मेरे बहुत सुंदर अभी ग्रोथ कर रहा है। हालाँकि ये दोनों प्लांट ही मेरे छोटे से पॉट पर लगा हुआ है, ये देखिए दोनों ही बाकेट के अंदर लगा हुआ है। एक तो दोनों ही देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो 8 इंच का होगा और दोनों का ही देखिए कितना सुंदर अभी ग्रोथ हो रहा है। तो ये प्लांट अगर ज़मीन पे लगा हुआ है तो 7 से 8 फीट तक लंबा हो जाता है और अगर आप गमले पे लगाओगे तो 5-5.5 फुट तक ये लंबा होता है। तो इसका जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो है अप्रैल के एंड, मतलब मई से इसका फ्लावरिंग का सीज़न शुरू होता है, अप टू अक्टूबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है। मतलब इसका जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होता है तब इसका फ्लावरिंग शुरू होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फ्लावरिंग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत सारे बर्ड्स आ गए हैं प्लांट पर, ये देखिए मेरे जो व्हाइट वेराइटी है इसमें देखिए बहुत सारे बर्ड्स, ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है अभी, और ये इसका ग्रोथ पिंक वाले से ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए मैं दो प्लांट को एकदम एक साथ ही रखा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। पिंक कलर का जो वेराइटी है उसमें भी देखिए बर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं और देखिए यहाँ पे भी आ रहे हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी तक मैं इसमें खाद जो दिया हूँ लास्ट एक डेढ़ महीना पहले, अभी मैं इस पर खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हम लोगों का यहाँ दुर्गापुर में 43-44 डिग्री चल रहा है। तो इस तेज़ धूप में मैं फर्टिलाइज़र नहीं देना चाह रहा हूँ प्लांट्स पर। तो देख सकते हैं आप फिर भी मेरे प्लांट्स पर देखिए कितने सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है। अभी बरसात शुरू होने के बाद ही मैं इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा, अभी तो मैं फ़िलहाल इसको हर रोज़ वाटरिंग करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें हर रोज़ ही वाटरिंग करना पड़ता है, दिन में एक बार मैं वाटरिंग करता हूँ, अगर आप दो बार कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा जो प्लांट्स है वो देखिए फुल रूफटॉप गार्डन है, मतलब फुल छत के ऊपर रखा हुआ है, शेड पर नहीं है। दोस्तों इस साल मैं इसको अभी भी ज़्यादा केयर तो किया नहीं हूँ किसको, क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसमें गुड़ाई नहीं किया हूं प्लांट पे, ये देखिए मिट्टी एकदम बैठ चुका है, गुड़ाई करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला है अभी तक। तो मैं इसको अभी फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं किया हूं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं, और मैं इसमें खाली और हर रोज़ थोड़ा सा वाटरिंग ही करता हूं। और देखिए प्लांट्स का जो स्टेम है देखिए कितना सुंदर कितना मोटा हो चुका है अभी। इसको अगर तो बड़े पॉट पर शिफ्ट किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको अभी बड़े पॉट पर शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ, इसमें रहने दूँगा, खाली इसको गुड़ाई करके मैं थोड़ी सी फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तब मैं इसमें गुड़ाई करके थोड़ी सी फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा। इसको अगर आप थोड़ी सी प्रून कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेम भी आएंगे प्लांट पे और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे मैं प्रून भी नहीं किया हूँ इस साल अभी भी प्लांट को, तो फिर भी देखिए मेरे प्लांट पर बहुत ही सुंदर से अभी फ्लावरिंग हो रहा है। ये मेरे प्लांट पर पहली दफ़ा है जो फ्लावरिंग कर रहा है, अभी तक ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाया हूँ इसको। देखिए बस मेरे पास दो ही प्लांट्स हैं, तो मैं रेड वेराइटी ढूंढ रहा हूं, अभी तक मुझे मिला नहीं है दुर्गापुर में, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है रेड वेराइटी।
देखिए इसका जो खासियत है वो है कि बहुत ही गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। हालांकि इसका जो फ्लावर है वो एक से दो दिन तक ही मैक्सिमम रहता है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, लेकिन ये देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए कितने सुंदर से फ्लावर एक साथ खिला हुआ है दोस्तों। हालांकि इस प्लांट पे खुशबू तो नहीं है, कोई भी सुगंध नहीं है, बस ऐसे ही देखने में लगता है। देखिए दोनों प्लांट को ही मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ, मैं इसको ख़रीदा नहीं हूँ। अगर आप नर्सरी में ख़रीदने जाओ एक प्लांट को, तो आपको मैक्सिमम 80 से 100 रुपया तक ले लेगा एक प्लांट का। मैं एक बार मेरे यहाँ पे नर्सरी में इसको एक बार जस्ट पूछा था कि कितने दाम है इसका, तो मुझे 100 रुपया बताया था एक छोटे से प्लांट के लिए। हालाँकि उसमें तो फ्लावरिंग भी नहीं था, आपको बस ऐसे ही मिल रहा था छोटा प्लांट, तो उसका ही दाम 80 से 100 रुपया है। और अगर आप इतने बड़े प्लांट लेने जाओगे तो 200-250 रुपया तो ले ही लेगा आपसे। तो देखिए कितने सुंदर अभी फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस प्लांट को अभी भी आपके गार्डन में नहीं लगाए तो जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि बेहद खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और प्लांट जो है वो आपके गार्डन का शोभा बढ़ाएगा। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।